जब घर पर पिज़्ज़ा आसानी से बन जाए तो बाहर से मंगाना भूल जाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीनास किचन। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही आसान तरीके से पिज़्ज़ा की रेसिपी, जो कि बिना ओवन के बन करके तैयार हो जाएगा। इसके लिए हमने यहाँ पे 2 कप मैदा लिया है, जिसमें कि हमने ईस्ट डाल लिया है। बेकिंग सोडा डाल लेते हैं और बेकिंग पाउडर डाल लेते हैं। हमने इसमें थोड़ा सा डाल लिया है नमक और थोड़ा चीनी। फ्रेंड्स, अगर आपके पास ईस्ट नहीं है तो आप क्या करेंगे कि इसके जगह आप दही का यूज़ कर सकते हैं। इस डो को हमें बिल्कुल सॉफ्ट सा लगा के तैयार करना है। तो अब हम इसे अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद ज़रूरत के हिसाब से हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका डो लगा के तैयार कर लेते हैं। फ्रेंड्स, पिज़्ज़ा बनाना घर पर बहुत ही आसान होता है। अगर आपने पहले कभी नहीं बनाया है तो इस तरह से आप बना करके ट्राई कर सकते हैं। बिना ओवन का ये बन करके तैयार हो जाता है। और जो हमने ईस्ट यहाँ यूज़ किया, ईस्ट की जगह आप यहाँ पे दही का यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा ऑयल हम हाथ में लेंगे और अब इस डो को हम बिल्कुल अच्छा चिकना बना लेते हैं। तो बिल्कुल अच्छी तरह से हमने इसे गूंद करके बिल्कुल सॉफ्ट सा डो हमने तैयार कर लेना है। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर ले। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारा ये डो लग के तैयार हो चुका है। अब हम इसे ढक देते हैं। तो 1 से 2 घंटे के लिए आप इसे ढक करके छोड़ दें। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने एक पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल लिया है। इसमें हम कटी हुई कुछ सब्जियाँ डाल लेते हैं, जिसमें कि टमाटर, प्याज और शिमला मिर्च डाल लिया है। हाई फ्लेम पे हम इसे हल्का सा पका लेते हैं। थोड़ा सा नमक डाल लेते हैं, इससे जो सब्जियों का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाता है। पर हम सब्जियों को इस बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे, इसे हमें हल्का सा बस टॉस इस तरह से कर लेना है। और अब हम इसे प्लेट में निकाल के ठंडा कर लेते हैं। देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारा डो बिल्कुल डबल हो चुका है फूल करके। और इस तरह से आप देख सकते हैं, हम इसे हाथ से पंच कर लेते हैं ताकि जो इसमें एक्स्ट्रा एयर है वो निकल जाए। फ्रेंड्स, अगर गर्मी के दिन में आप बना रहे हैं तो 1 घंटा आप इसे रेस्ट पे छोड़ेंगे तो ये फूल जाता है। अगर ठंडी के दिन में बना रहे हैं तो 2 घंटा आपको इसे रेस्ट पे छोड़ना पड़ता है। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमने एक लोई ले ली है और यहाँ पे हमने इसे बेल लिया है। थोड़ा सा हम इसे मोटा ही रखेंगे और एक फोर्क की हेल्प से इस तरह से हम इसे प्रिक कर लेते हैं, यानी कि इसमें छेद कर देते हैं। इससे ये रोटी की तरह फूलेगी नहीं। अब हम इसे तवे में डाल लेते हैं। तो किसी भी आप पैन को आप अच्छी तरह से पहले गरम कर लें, उसके बाद आप इसे लो फ्लेम पे इस तरह से ढक के पकने दें। जब एक तरफ से ये पक जाए तो इसे हम पलट देंगे और इसमें आप टमाटो केचप लगा सकते हैं या तो फिर पिज़्ज़ा सॉस लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, हमने जो सौते करके सब्जियों को रखा था, उन सब्जियों को हम इस तरह से इसमें डाल देते हैं। फ्रेंड्स, इस तरह से सौते करके जब सब्जियों को यूज़ करते हैं, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और सब्जियां कच्ची कच्ची भी नहीं लगती है। अब इसमें हम चीज़ को ग्रेट कर लेते हैं। तो आप अपने पसंद से थोड़ा कम या ज़्यादा चीज़ डाल सकते हैं, पर बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद होता है चीज़, तो आप चाहे तो इसमें थोड़ा ज़्यादा चीज़ डाल सकते हैं। और यहाँ पर मैंने डाल लिया है चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो। अब हम इसे फिर से रख देंगे और इसे धीमी धीमी आँच पर तब तक पका लेते जब तक ये जो चीज़ है वो मेल्ट ना हो जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना लाजवाब सा हमारा पिज़्ज़ा बनके तैयार हुआ है। देखते ही मुंह में पानी आ जाए, इतना टेस्टी ये बनके तैयार हुआ है। तो फ्रेंड्स, आप भी इस तरह से घर पर पिज़्ज़ा बनाएं और बच्चों को तो ये बहुत पसंद आता है, तो बच्चों का दिल जीत ले आप इस पिज़्ज़ा को बना करके। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।